नमस्कार दोस्तों, ghamasan.com पर आपका स्वागत है। इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच से पहले हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सबसे बड़े दीवानों में से एक ओम प्रकाश मुंडला जी, जो दुनिया भर में क्रिकेट तो कवर करते ही हैं और भी सारे स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस मैच को लेके वो क्या सोचते हैं। सर, आपका स्वागत है ghamasan.com पर। सबसे पहले हमें बताइए कि इंडिया के चांसेस वर्ल्ड कप में कैसे देखते हैं। देखिए, इंडिया के चांसेस 99% टॉप फोर में तो आना ही आना है, क्योंकि इंडिया की टीम आज के दिन में बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग में दूसरे बहुत टीमों से बहुत आगे है। आज अगर देखें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये टॉप तीन में आते हैं, और चौथे के अंदर में भी बहुत लोग चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका भी है, पाकिस्तान भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन लोगों के ब्लड में क्रिकेट है और क्रिकेट इज़ आवर रिलीजन, बट इन वेस्ट इंडीज़ इट इज़ इन देयर ब्लड। सर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कब से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं? और ऐसे तो देखेंगे, स्पोर्ट्स से तो मेरा लगाव मेरे कॉलेज जमाने से है। ध्यानचंद जी के साथ मुझे गर्व है कि एक महीना रहने का हुआ 1969। ध्यानचंद जी के साथ मैं एक महीना हमारे यूनिवर्सिटी में था। हाँ, ऑलमोस्ट 50 ईयर। और 1982 के बाद तो मैंने शायद कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो नहीं देखा हो इंटरनेशनल। और 1987 से सब वर्ल्ड कप में गया हूँ, और 99 के बाद जितने भी आपके ओलंपिक्स हैं, विंटर ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, रग्बी, मतलब ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है इंटरनेशनल जो मैं नहीं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।